राजधानी के भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर पर शिष्यों ने प्रभु श्री घंटाकर्ण की पूजा करके गुरु पूर्णिमा के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। आध्यात्मिक गुरु संजय जैन लोढ़ा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की पूजा हो, ईश्वर भी गुरु होता है। ईश्वर की वंदना करके भी हम गुरु पूर्णिमा के पर्व को मना सकते हैं। राजधानी में गुरु पूर्णिमा के पर्व को शिष्यों ने अपने अंदाज में मनाते हुए अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इस मौके पर भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर पर शिष्यों ने प्रभु श्री घंटाकर्ण की पूजा अर्चना करके गुरु पूर्णिमा के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर शिष्यों ने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। आध्यात्मिक गुरु संजय जैन लोढ़ा ने इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि व्यक्ति के अलावा भगवान भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि कई बार भगवान भी व्यक्ति का समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। जिस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है, उसे अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। हमारा संस्थान समर्पित है प्रभु श्री घंटाकर्ण महावीर की सेवा में। हमारे यहाँ पर मंत्र हीलिंग, डाउजिंग, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु संबंधित कार्य किए जाते हैं, मंत्र दीक्षाएं दी जाती है। आज श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रभु श्री घंटाकर्ण महावीर की सेवा पूजा की गई, उनसे संबंधित प्रसादी वितरण हुआ, जो हमारे यहाँ के शिष्य शुभचिंतक जो गुरु भक्त हैं उन सभी के साथ धर्म चर्चा विचार विमर्श हुए। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति ही आपका गुरु हो। आप जिस भी देवी देवता की सेवा पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो भी आपके गुरु हो सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने इष्ट देव, अपने भगवान के मंदिर भी जाकर आप उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, उनको गुरु मानकर उनका आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से आपका मार्ग प्रशस्त होता है, जो जीवन में आपको रास्ता दिखाए, वो आपका गुरु। तो ईश्वर भी आपका गुरु हो सकता है, जैसे घंटाकर्ण महावीर हमारे भगवान भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। तो हमारे संस्थान में आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिष्यों ने आध्यात्मिक गुरु संजय जैन लोढ़ा के बताए मार्ग पर चलने और उसे अपने आचरण में ढालने का भी संकल्प लिया।